कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज जब वो हम लोग बात करने वाले हैं योनो बैंक के ज़रिए, आप जब वो आपने स्टेट बैंक अकाउंट का जो वो बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जब अगर चाहें तो एटीएम यूज़ किए बिना जब वो चेक कर सकते हैं, साथ के साथ जब वो आपका कोई चार्ज इससे नहीं लगने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आपने योनो बैंक अकाउंट नहीं बनाया तो आई बटन में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आप जो वो योनो SBI ऐप पर जो वो कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अभी जो आपको बताते हैं कि बैलेंस जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके घंटी को दबा लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आपको और मिलती रहे। योनो बैंक से जो वो बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपना योनो बैंक का जो ऐप है वो, और उसके बाद जो वो आपको अपना अकाउंट का जो पिन है वो एंटर कर देना है, जो भी आपका हो वो वाला। और उसके बाद जो कर दीजिए क्लिक लॉगिन पर। तो जैसे आप क्लिक कर देते हैं लॉगिन पर, आपको आपके अकाउंट में जो वो लॉगिन कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है वो आपको अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाने के बाद में आपको जो है वो ऊपर की तरफ तीन डॉट्स देखने को मिलेंगे जो कुछ इस तरह के हैं। लेफ्ट वाली साइड में आपको ऊपर की तरफ मिल जाएंगे, आप जो वो इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्लिक करना है माय रिलेशनशिप पर। तो जैसे आप क्लिक करते हैं इस माय रिलेशनशिप के ऑप्शन पर, आपको दिखा दिया जाता है आपके SBI अकाउंट का जो सेविंग अकाउंट है उसके डिटेल सारी की सारी, कि आपके बैलेंस जो वो कितना है इस समय और आपके जो इस समय एवरेज जो है वो क्या है, मंथली एवरेज। और यहाँ पर जो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती है और आपका सारा बैलेंस वगैरह, डिपॉजिट वगैरह भी चेक कर सकते हैं आपने क्या क्या कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे जो वो डिपॉजिट किया है। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना बैंक बैलेंस। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके और घंटी को दबा लीजिए। और इस जानकारी को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके दोस्त लोग भी जान सके कि कैसे जो वो चेक कर सकते हैं अपने स्टेट बैंक के बैलेंस को। बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।